सो फ्रेंड्स, एक टाइम था कि बॉलीवुड के कोई भी बड़े एक्टर को किसी भी साउथ एक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी अपनी मूवी हिट कराने के लिए। लेकिन एक दौर आया जब सबसे पहले इंडिया की पैन इंडिया मूवी बाहुबली फिल्म रिलीज हुई, और उसके बाद से पैन इंडिया मूवीज का जो कल्चर है वो हिट होने लगा। एक्चुअली देखा जाए तो साउथ वाले एक्टर्स भी कभी बॉलीवुड के एक्टर्स को लेके मूवीज नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री अपने अपने काम में बेस्ट थी। लेकिन लॉकडाउन आया और उसके बाद से जो सिचुएशन हुई और जो चीजें हमको ओटीपी पे पता चली कि हमको वो सब मूवी भी नहीं दिखाई जाती। बहुत सारी मूवीज जो अच्छी होती है, जिनका कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन ओटीटी आने के बाद से हमको पता चल गया कि मूवीज एक्टर के वजह से नहीं चलती, मूवी चलती है कंटेंट के वजह से। और लोगों ने जो सपोर्ट किया है कंटेंट को, उसको देखते हुए सारे मोस्टली जो बड़े एक्टर थे उनकी एकदम हालत खराब हो चुकी है। आज की कंडीशन में देखा जाए तो बॉलीवुड के सारे बड़े एक्टर्स फ्लॉप है, फिर वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या अक्षय कुमार हो, या फिर कंगना रनौत हो, जो भी एक्ट्रेसेस है और एक्टर्स है, वो सारे सबकी मूवीज फ्लॉप जा रही है। और हिट कौन हो रहा है? जिनके कंटेंट में दम है, लिटरली गाइस, जिनके कंटेंट में दम है वही मूवीज आज चल रही है। लोग ये नहीं देख रहे थिएटर में कि कौन सा एक्टर है और उसके हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, ये नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है, उसका बेस क्या है, और वो किस तरह से एक्सप्लोर हुई है, वो मूवीज को हम थिएटर में देखने जाते हैं। क्योंकि थिएटर की टिकट्स इतनी भी सस्ती नहीं होती है कि हम कोई भी चूतिया सी चूतिया मूवी देखने थिएटर में चले जाए, क्योंकि पॉपकॉर्न्स की प्राइस, पेप्सी की प्राइस, हर चीज की प्राइस बढ़ गई है। सो फाइनली जो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी आई थी, उसकी हालत देखते हुए बहुत सारे एक्टर्स लोग थोड़े संभल गए हैं बॉलीवुड में। और अभी बॉलीवुड के सारे मोस्टली जितने भी बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि साउथ के एक्टर्स को लेके, मतलब जो भी हिट हो रहे हैं उनको लेके अपनी मूवी में थोड़ा सा तड़का भड़का लगाया जाए और इंडियन ऑडियंस को फिर से एक बार परोसा जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए शाहरुख खान की आने वाली जवान फिल्म में शाहरुख खान ने थलापति विजय को चांस दिया है अपने मूवी में। जी हाँ गाइस, मैं ना दो नाम में बहुत कंफ्यूजन होता हूँ, विजय विजय सेतुपति और थलापति विजय। जी हाँ गाइस, ये दो नाम में मैं बहुत कंफ्यूजन होता हूँ, लेकिन थलापति विजय को उन्होंने अभी चांस दिया है अपने मूवी में। जबकि देखा जाए तो ऑलरेडी शाहरुख खान 5 साल बाद कमबैक कर रहे हैं, यानी कि उनकी पिछले आई हुई 3 से 4 मूवीज एकदम बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। तो अभी शाहरुख खान जो 5 साल बाद कमबैक कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया आ गया है कि अभी साउथ को एक्टर के सिवा उनका कोई एक ऑप्शन नहीं बचा है उनके पास मूवीज हिट करने के लिए। और वो नहीं चाहते कि अभी जो उनकी मूवीज आए, कि वो जो सबसे पहली मूवी आएगी जवान और डंकी के पहले शायद जवान ही आएंगी, तो जवान अगर फ्लॉप हो गई तो उनकी आने वाली और जो दो मूवीज है उनपे भी बहुत बैड इम्पैक्ट होगा। इसीलिए शाहरुख खान कोई भी हालत में नहीं चाहते कि उनकी मूवीज जो है वो फ्लॉप हो। इसीलिए वो अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जवान में विजय सेतुपति को ले लिया, बड़ा रोल है छोटा रोल है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ, उसके बाद में थलापति विजय को भी ले लिया है। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि थलापति विजय को कौन सा रोल देते हैं। जबकि मैं एक बात बता दूं आपको, थलापति विजय को लेने का रीजन एक ही था कि प्रभास की बहुत सारी बड़ी मूवीज आ गई, विक्रम सर की बहुत सारी मूवीज आ गई, सूर्या सर की बहुत बड़ी मूवीज आ गई, लेकिन थलापति विजय की ऐसी कोई एक पैन इंडिया मूवी नहीं आई है अभी तक जो हमें देखने को मिले। हाँ, पिछले साल कुछ आई थी एक मूवी, उन्होंने भी अच्छा खासा 300-400 करोड़ का मार्जिन से प्रॉफिट किया था, बट फिर भी एक ऐसी बड़ी मूवी जो थलापति विजय की अभी तक नाम पे नहीं है जैसी प्रभास और बाकी हीरोज के नाम पे है। तो आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है कि उनको ये बड़े मूवीज में लेने का। और मैं जानता हूं कि ये रीजन कोई इस वजह से नहीं है कि थलापति विजय कि क्या एक्टिंग होगी या फिर क्या होगी, उनको खाली इसीलिए बॉलीवुड वाले यूज कर रहे हैं कि उनके नाम पे बॉलीवुड थिएटर्स तक खींचा जा सके ऑडियंस को। मतलब जो थलापति विजय के जो फैंस है वो शाहरुख खान को देखने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे उनको देखने के लिए। और हम लोग किनको देखने को जाएंगे कि हमने भी थलापति विजय को बहुत सारे मूवीज में देखा है, तो हम लोग देखने ये जाएंगे कि इन दोनों का केमिस्ट्री कैसे मैच होता है। सो इस तरह से क्या होगा ना, एक मिक्स मैच ऑडियंस जो है वो बन जाएगी और वो लोग ऑडियंस की थिएटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसी सारी चीजों के लिए बड़े बड़े स्टार कास्ट को लिया जा रहा है, और ऑब्वियसली उसमें विजय सेतुपति भी है जिनकी फैन फॉलोइंग गजब की है। विक्रम में उनकी मूवी भाई, मतलब जो उन्होंने एक्टिंग की है ना वो बहुत जबरदस्त की है। सो देखो फ्रेंड्स, अभी 3 टाइप के ऑडियंस हो गई है, एक तो शाहरुख खान की ऑडियंस, एक विजय सेतुपति की, और एक थलापति विजय की। यानी कि ये 3 ऑडियंस अब हमको थिएटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो अब देखना यही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये जो भी जुआ खेला जा रहा है बॉलीवुड में वो सक्सेसफुल होता है। मैं होप्सो करता हूं कि ये सक्सेसफुल हो जाए और जो भी एक्टर्स है वो कमबैक करे। मैं किसी, और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि साउथ इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, जो अच्छी एक्टिंग है
जो प्रॉपर स्टोरी टेलिंग है, जो भी मूवीज अच्छी है मैं उनको प्रमोट करूंगा, फिर चाहे वो सस्ते मूवी हो या बुरी बहुत बड़ी मूवी हो। देखो रिव्यू कभी भी बायस नहीं कर सकते, मुझे पता है बहुत लोग बायस रिव्यू करते हैं, पेड रिव्यूज भी करते हैं, क्योंकि मुझे भी एक दो मेल आए थे कुछ वेब सीरीज को लेके कि पेड रिव्यूज करो हम आपको पेड करेंगे, लेकिन मैंने नहीं लिए वो। मैं किसी वीडियो में वो मेल्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं बायस नहीं रह सकता, मेरे को जो चीज अच्छी लगती है। हाँ वीडियो के मामले में तो नहीं रह सकता, हाँ कभी किसी ऐप का प्रमोशन कर दिया अगर वो अच्छा है वो सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मूवीज को लेके पेड प्रमोशन कभी नहीं करूंगा मेरे चैनल पे, बिकॉज आई डोंट लाइक इट कि आप लोग रिव्यू देखने आते हो और उसी को अगर मैं बेचने लगा तो फिर मतलब नहीं है ना, मतलब वो चीज का मतलब खत्म हो जाएगा कि आप लोग जो देखोगे और मैं फिर आपको एक फीड दूंगा, मतलब इनडायरेक्टली मैं आपका दिमाग मैनिपुलेट करूंगा, वो सब चीजें मुझे नहीं करना है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, बात खत्म, फिर चाहे कमेंट में गाली पड़े या कुछ भी हो, मेरे को जो चीज बुरी लगी मैं तो बोलूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग कमेंट करते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो, क्योंकि वहां पे भी मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई करूंगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके से अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा आगे, पता नहीं अभी 2-3 आई थिंक 14-15 या 15-16 2-3 3-4 दिन में पता नहीं वीडियो डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स डालने का, बिकॉज आई एम आउट ऑफ द मुंबई दैट्स वाई, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपके लिए अपडेट्स लाने का। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।